ओके जनाब, आप सुन रहे हैं गाने जाने अनजाने, कुछ गाने आपके जाने पहचाने और कुछ गाने आपके लिए अनजाने। जो आजकल की नस्ल के लोग हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल अनजाने गाने होंगे, लेकिन जो कल के लोग हैं, कल परसों के लोग हैं, गुजरी कल परसों के, वो यकीनन इन गानों से वाकिफ़ होंगे और सुनते रहे होंगे अपने ज़माने में। मैंने जो आवाज़ पहली आपको सुनवाई है वो एक दफ़ा फिर सुनाता हूँ, उसके बाद आपके मैसेजेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं किन के लोगों ने जवाब दिए हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा। ये तुम मुझे इस तरह क्या देख रहे हो? औरत के हर लम्हे बदलते रूप को देख रहा हूँ। सोचता हूँ पहली मुलाकात से अब तक तुमने कितने रूप बदले। तुम्हारी निगाह बदल गई है, वरना मैं तो अब भी वही हूँ। जो कुछ मेरे कान सुन चुके हैं क्या उसे झुठलाना चाहती है? जो कुछ तुमने सुना वो सच है, लेकिन मेरी मोहब्बत भी झूठी नहीं है। मोहब्बत का लफ्ज तुम्हारी जबान को जेब नहीं देता। फैसले तो वक्त के साथ बदल जाते हैं हरी, लेकिन तुम्हारी तस्नीम कभी नहीं बदलेगी। 105 You are listening to Hot FM 105 Radio Network। तो जनाब जी, दो आवाज़ें हमने आप तक पहुंचाई हैं, आपने फिल्म का नाम भी बताना है और इन दोनों फनकारों के नाम भी बताने हैं, दोनों नाम बताने हैं आपने, फिल्म का नाम भी और इन फनकारों के नाम भी, और मैसेज भेजना है आपने 888 पे। जो मैसेजेस मौसूल हुए हैं, जो टेक्स्ट मैसेजेस मौसूल हैं, उनसे पहले हम फेसबुक पे जाते हैं, तो वहाँ हमें सबसे पहले अफजल हज़ारवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे शहर के बहुत ही खूबसूरत शायर हैं और हमारे रेगुलर लिसनर हैं, ये हमारे लिए ऑनर की बात है। हज़ारवी साहब बहुत शुक्रिया, और कहते हैं तमाम सुनने वालों को सलाम भी कहा है। और उसके बाद सैयदा बुखारी तशरीफ़ रखती हैं, कहती हैं ज़िंदगी बखैर, आजकल लड़ते लड़ते उम्र बीत जाती है, इसलिए प्राउड टू बी सिंगल। मगर हमारी दुआ है कि आप को कोई ज़िंदगी का रफ़ीक मिल जाए, ऐसा रफ़ीक। ये गाने हम मोहब्बत के सुना रहे हैं ना, रफ़क़ाए कार जो हैं, रफ़क़ाए मोहब्बत, उनके गाने सुना रहे हैं। कोई ऐसा मिले जो आपसे जी कहे कि अगर तुम प्यार से देखो, अगर तुम प्यार, और माला बेगम आपके बिहाफ पे जवाब दे। दीबा बेगम पर पिक्चराइज हुआ। ना कर दूं अगर तुम, शर्त यही है कि अगर तुम प्यार से देखो तब ये बात बनेगी, वरना हम नहीं बोलते, हम नहीं खेलते।
अफजल हजारी साहब, आपने पहले का जवाब दुरुस्त दिया है, नाम आपने दोनों सही बताया, लेकिन फिल्म का नाम आपने नहीं लिखा है, शायद आप भूल गए हैं। आप बताइएगा अगर मुमकिन हो तो। बुखारी सैदा कहती हैं, क्या अहमदाबाद, कहती है शुरू होगा प्यार का है मगर। और असलम मलिक कहते हैं, जनाब मुजफ्फर साहब और हॉट एफएम 105 के तमाम सामईन को ठंडी ठंडी हवाओं के साथ गर्मा गर्म, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। और ओके कहते हैं, मुनीर हुसैन का तो जवाब ही नहीं है। सुलेमान बलोच भी हमें सुन रहे हैं मधुगोट में और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान बलोच आपका, सुन रहे हैं ये अपने साथियों के साथ यकीनन। और असमिक साहब, आपने कहा कि पहली का पेपर तो आउट हो चुका है, कैसे आउट हो चुका, फिल्म का नाम बताइए ना आप। फनकारों के नाम तो आपने भी पहचान लिए होंगे, लेकिन असल जो ये इम्तिहान होता है, ये टेक्स्ट मैसेज भेजने वालों के माबैन होता है, आप उस तरफ आते ही नहीं है, उधर आइए ना ज़रा। और अगर उधर चलते हैं हम टेक्स्ट मैसेजेस की तरफ, तो हमारे साथ हमारे एक दोस्त हमें पूछ रहे हैं कि एम सलीम है इतिहाद टाउन में, कहते हैं कि मुजफ्फर भाई आपके चैनल पर जुमे की रात को प्रोग्राम बोलती किताबें होता था, आरिफ वालहीम साहब करते थे, और वो आजकल क्यों नहीं है, क्या प्रोग्राम बंद हो गया जी। मुझे इस सिलसिले में कोई नॉलेज नहीं है और ना ही मेरा कोई ज़ाती तौर पर आरिफ साहब से रब्ता हुआ है, यहाँ अलबत्त मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे इल्म में नहीं है, हो सकता है कि सीनियर मैनेजमेंट जानती हो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो हम यकीनन आपको बताएँगे। आमिर फ्रॉम अजीज़ाबाद कराची, एक गीत दो आवाज़ें में सॉन्ग कितने नादान हैं आजकल के जवान, सुना दें। अच्छा जी, मैं फौरी तौर पे तो नहीं सुना सकता हूँ, हम देखेंगे अगर मिल गया फिल्म पहचान का जगाना तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। एम सलीम कहते हैं, सर कैसे हैं, शो की इब्तदा इतनी अच्छी है तो इख्तिताम भी शानदार होगा, आप पहले इख्तिताम की तरफ क्यों चले गए मेरे भाई मेरे दोस्त। अच्छा जी, नाजिया हैं, नाजिया साहिबा हैं, और अच्छा अच्छा मैंने गलत पढ़ा था शायद, चलिए नाजिया बहुत शुक्रिया, आप देखती चली जाइए प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगी तो आपको पता चलेगा। एक और दोस्त हैं, हेलो मुजफ्फर भाई सलाम, क्या हाल है आपकी, क्या हाल हैं आपके, आई एम महबूबा अली सोलंगी फ्रॉम विलेज अला बचायो सोलंगी, मलका तरनम नूरजहाँ की आवाज़, चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दो, किसको आपने ख़त भेजना है। कहते हैं मेरी बेटी बरकत अली, राशिद अली, मोहम्मद अली और मेरी भाई वज़ीर अली सोलंगी भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं जी, उनको भी हमारा सलाम पहुँचाए और उनका बेहद शुक्रिया। मैसेजेस और भी हैं लेकिन वो हम शामिल करेंगे, एक और बेहतरीन गाना आपकी यादों से जुड़ा। सब ये है पैमाने वफा, मोहब्बत का दावा करने वाले पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं, पूरे वसूक के साथ, पूरे यकीन के साथ मोहब्बत करने का दावा करते हैं और उस पर साबित कदम रहते हैं। हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं, आज भी मौजूद हैं, जो एक तरफ देखते हैं तो फिर वहीं देखते हैं।
क्या कहा। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैंने अर्ज किया ना कि ये जो मोहब्बत का फसाना है, प्यार की कहानी है, ये दो तरफा होती है, इस एक तरफा नहीं हुआ करती है। जोर और जबरदस्ती नहीं हो सकती है प्यार में, मोहब्बत में। आप लाख चाहें, कोई आपका अपना नहीं बन सकता। फिल्म है खुशबू, 1979 की फिल्म है। पहले आपने महनाज की आवाज़ सुनी, रानी शाहिद और मुमताज़ इस फिल्म के मरकजी किरदार थे। ये आंखें उसी रात हो जाए।